नहीं नहीं नहीं, ये चीज आप ऐसे ना कहिए, इस बार आप वादा करिए इन लोगों के सामने कि ये छठ घाट आप पूरी तन मन धन से कोशिश करेंगे कि वहाँ बेहतर तरीके से शिफ्ट हो जाए और उसकी सुंदरीकरण भी हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मधुबनी प्रखंड के तमकुहा पंचायत में और ये आज छठ घाट पे हम लोग पहुँच चुके हैं और हजारों की तादाद में जो महिलाएँ हैं जो छठ का उपवास रख के इस घाट पे मौजूद हैं, मुखिया जी से बात करेंगे जो तमकुहा के मुखिया हैं फारूक अंसारी जी। सर, छठ के बारे में कुछ आपको नॉलेज है तो उसके बारे में बताइए, क्योंकि जो आए दिन जो छठ के बारे में लोगों का क्रेज बढ़ते ही जा रहा है, देश विदेश अन्य जगहों में भी अब मनाया जा रहा है, ये किस तरह देखते हैं आप? सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सूर्य देव के प्रति बहुत बड़ा आस्था और विश्वास, और ये बहुत कठिन का पर्व है। जो महिलाएँ या पुरुष ये दो दिन तक उपवास रख कर इस पर्व को मनाती हैं, ये बहुत कठिन पर्व है और बहुत महान पर्व है, इसलिए इस पर्व को सभी लोग मिलजुल कर धूमधाम से और अच्छे तरीक़े से मनाते हैं लोग जी। और क्या कहेंगे आपके पंचायत के लोग हैं, काफ़ी ज़्यादातर लोग यहाँ पे घाट पे ही मौजूद हैं आज, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, सब बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है। और मैं ये आपसे बता देना चाहता हूँ कि 1984 में जो बाढ़ आया था जी, उस समय बहुत दूर दूर से कटाव क्षेत्र से लोग आकर यहाँ बस गए थे। बसने के बाद एक नाला ये जो टूटा हुआ था, यहीं पर छठ यानी आपका जो बनाया जाता है वो बनाया गया है यहाँ, और ये अगल बगल में काश जमीन है, यहाँ जगह नहीं है, पानी की दिक्कत थी, तो बगल में जो है कि सरकारी पोखरा है, उस पोखरा में पानी आज सुबह से दो पंप सेट लगा कर चलाया जा रहा है जी। सफाई उफाई कराया गया है, रंगाई पोताई कराया गया है, जहाँ तक हो सका है हम अपने निजी कोष से इस काम को कराने के लिए मैंने तत्पर था और हैं। अगले साल अगर वो भगवान अगर साथ दिए तो अगले साल जो है कि उस बगल में जो है कि उत्तर साइड में एक पोखरा सरकारी। नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ आप ऐसे ना कहिए, इस बार आप वादा करिए इन लोगों के सामने कि ये छठ घाट आप पूरी तन मन धन से कोशिश करेंगे कि वहाँ बेहतर तरीके से शिफ्ट हो जाए और उसकी सुंदरीकरण भी हो। वादा करिए नहीं, मेरा वादा है जी। वादा करने की बात आप कर रहे हैं तो वादा करिए नहीं, मेरा वादा है कि जो बगल में सरकारी पोखरा है वहाँ पर कुछ सरकारी ज़मीन है, उस ज़मीन को आंचल अमीन द्वारा नापी कराकर और प्रशासन के सहयोग से उस ज़मीन को खाली कराते हुए वो पोखरा को वह तो हम खुदाई कराएंगे, सीढ़ी बनवाएंगे और उस ज़मीन को निकलवा कर वहाँ छठ जितना छठ का सुखता है वहाँ जाकर हम वहाँ स्थापित कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कुछ और लोग भी हैं उनसे भी बात करेंगे। सर आ जाइए यहाँ पे, आपका परिचय? हम स्वामीनाथ गुप्ता तमकुहा निवासी हैं जी। किस तरह देखते हैं छठ पर्व को? छठ पर्व तो बहुत उल्लास के साथ बहुत यहाँ मनाया जा रहा है, गांव के लोग हैं, विशेषकर यहाँ के जो तमकुहा पंचायत के मुखिया हैं जी। जो यहाँ वीरान जगह पर यहाँ एक ठोप पानी नहीं था, सवेरे से उसको आज 4 दिन से ट्रैक्टर चलवा के तालाब को बनवा के आज सवेरे से 2 गो पंपू सेट चल रहा है, उसमें अर्घ देने के काम कर रहा है, इनका कोटि कोटि सबके तरफ से धन्यवाद हो, हम तो यही कहेंगे। हालांकि मैं भी यहाँ पे आया था निरीक्षण करने, वहाँ पे काफ़ी दिन से काम चल रहे हैं यहाँ भी और अन्य पंचायत में भी, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हजारों के तादाद में जो महिलाएं आई हैं अब धीरे धीरे घर की तरफ जा रही हैं, लेकिन ये त्यौहार एक दिन का नहीं है, लगातार 2 दिन चलने वाला है त्यौहार। ये खत्म वहाँ होता है जब सुबह सूर्य महाराज को अर्घा दिलाते हैं, उसके बाद से जो इनका व्रत होता है वो तोड़े जाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद से ये त्यौहार खत्म होता है। बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आते हैं इस त्यौहार और फेस्टिवल को मनाने के लिए। तो हमारे साथ है कुछ नवयुवक, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, नाम बताइए। मेरा नाम राजन मदेसिया है। छठ किस तरह मनाते हैं आप लोग, कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? छठ में तो बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग। क्या क्या दिक्कत लग रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पे दिक्कत सर सफाई का है और पानी नहीं है, पानी बहुत दूर चला है, घाट से बहुत दूर ही चला है, जो कि माताओं और बहनों को जाने में दिक्कत हो रही है वहाँ भी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कैसा है, मैंने इस टॉपिक पे बात किया है लोग, मुखिया जी का और बाकी सारे लोगों का, जनप्रतिनिधि का कहना है कि ये जो घाट है लोगों की काश जमीन है, इसीलिए जो पिछली बार जो मुखिया रहे हैं राजेश राम जी, उन्होंने वहाँ एक पोखरा बनवाया है, वहीं पे पानी चलाया जा रहा है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। और इस बार उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि अगली बार ये छठ जो है वहाँ मनाया जाएगा, वो भी बेहतर तरीके से। क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो त्यौहार को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पे मनाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्वक से मनाया जा रहा है। आशा उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो छठ घाट है जल्दी सही जगह शिफ्ट होगा और लोगों की जो समस्या है पानी का वो समाधान होगा। ये खबर दे रहे थे मधुबनी ब्लॉक से पटना न्यूज 24 लाइव के लिए, मैं सरफुद्दीन अंसारी, जय हिंद।